गुड मॉर्निंग प्री क्लास, वेलकम टू खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्री क्लास आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश, अपना सब्जेक्ट है आज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अपना टॉपिक है ए वॉवल साउंड। कौन से वॉवल साउंड? ए वॉवल साउंड। तो आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ वॉवल्स कितने होते हैं, फाइव वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से वॉवल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये फाइव वॉवल होते हैं। अगर जो बी फॉर वॉल, सी फॉर कैट, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल कितने होते हैं? फाइव वॉवल होते हैं। कितने वॉवल होते हैं? फाइव वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अपने अल्फाबेट लेटर होते हैं ए टू जेड। तो ए टू जेड के अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ए टू जेड लेटर होते हैं। तो ए टू जेड लेटर के अंदर फाइव लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ये फाइव लेटर होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? वोवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवल बोलते हैं। तो आज अपन करेंगे ए वोवल साउंड। अब इन ये वोवल है, ए वोवल है, ई वोवल है, आई है, ओ है, यू है। तो इन फाइव वोवल के अपन क्या करेंगे? 10-10 वर्ड्स देखेंगे कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ओनली ए वोवल आ रहा है और कोई वोवल नहीं आ रहा है। ऐसे अपन आज 10 वर्ड्स देखेंगे कि ऐसे कौन से स्पेलिंग है जिसमें ओनली ए वोवल आ रहा है और कोई वोवल नहीं आ रहा। फिर अपन क्या करेंगे? ई वोवल करेंगे, फिर आई वोवल, ओ वोवल और यू वोवल। आज अपन करेंगे ए वोवल साउंड। ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे, 10 ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिसमें ओनली ए वोवल है और कोई वोवल नहीं है। ऐसे कौन से स्पेलिंग है जिसमें ओनली ए वोवल है? देखो, बी ए जी बैग, बी ए जी बैग। बैग के अंदर कौन सा वोवल आ रहा है? बी भी वोवल नहीं है और वोवल कौन सा है? ए, ए वोवल है। और जी फॉर ग्रैप्स भी क्या है? कॉन्सोनेंट से जी फॉर ग्रैप वोवल नहीं है। तो इसके अंदर वोवल कौन सा है? ए। कौन सा वोवल है? ए। आई ओ यू ई ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन सा वोवल है? ए वोवल। अपन कौन सा कर रहे थे? ए वोवल साउंड। बी ए जी बैग कौन सा वोवल साउंड हुआ? ए वोवल साउंड, क्योंकि इसके अंदर ओनली कौन सा वोवल है? ए वोवल है, बी ए जी बैग। फिर है टी ए जी टैग, टी ए जी टैग, इसके अंदर भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। टी फॉर टाइगर और जी फॉर गन, ये क्या है? कॉन्सोनेंट से टी ए जी टैग। फिर है सी ए एन कैन, सी ए एन कैन, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। सी फॉर कैट क्या है? कॉन्सोनेंट से। एन फॉर नेक्स्ट भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कौन सा वोवल है? ए, सी ए एन कैन। एम ए एन मैन, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। एम फॉर मंकी एंड एन फॉर नेस्ट, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। वोवल कौन सा है? ए। एम ए एन मैन। फिर है आर ए एम रैम, आर ए एम रैम, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। आर फॉर रोज और एम फॉर मंकी, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर ए एम रैम। डी ए एम डैम, डी ए एम डैम, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। डी फॉर डॉग और एम फॉर मंकी, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। वोवल कौन सा है? ए, डी ए एम डैम। पी ए एन पैन, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। पी फॉर पिकॉक और एन फॉर नेस्ट, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी ए एन पैन। फिर है एच ए टी हैट, एच ए टी हैट, इसमें भी कौन सा वोवल है? ए वोवल है। एच फॉर हैन एंड टी फॉर टाइगर, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच ए टी हैट। एच ए एस हैज, एच ए एस हैज, एस फॉर हैन और एस फॉर सन, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। वोवल कौन सा है? ए, एच ए एस हैज। एस
sad, s a d sad. S क्या है? कॉन्सोनेंट है और D को डॉग भी क्या है? कॉन्सोनेंट है. वोवल कौन सा है? A, S A D sad. J A M jam. इसमें भी कौन सा वोवल है? A वोवल है. J for jug और M for monkey. ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है. J A M jam. फिर है M A P map. M A P map. इसमें कौन सा वोवल है? A वोवल है. M for monkey and P for peacock. ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है. M A P मैथ. तो मैंने 12 स्पेलिंग लिखवाई है, 12 वर्ड्स लिखवाए हैं. उन 12 स्पेलिंग के अंदर सब में क्या है? ए वॉवल साउंड है. किसी के अंदर भी ई आई ओ यू नहीं है. सब में क्या है? ए वॉवल साउंड है. अपन क्या कर रहे थे आज? अपना टॉपिक क्या था? ए वॉवल साउंड था. तो अपने ए वॉवल साउंड की स्पेलिंग लिखी है जिसमें और कोई वॉवल नहीं है. ओनली कौन सा वॉवल आ रहा है? ए वॉवल आ रहा है. बी ए जी बैग. बी ए जी बैग. T A G tag. T A G tag. C A N can. C A N can. M A N man. M A N man. R A M ram. R A M ram. D A M dam. D A M dam. P A N pan. P A N pan. H A T hat. H A T hat. H A S has. H A S has. S A D sad. S A D sad. J A M jam. J A M jam. M A P map. M A P map. तो ये 12 स्पेलिंग लिखवाई है मैंने ए वॉवल साउंड की. और कोई आप पे स्पेलिंग ढूंढना ऐसी जिसके अंदर ओनली कौन सा वॉवल हो? ए वॉवल हो. 12 तो मैंने लिखवा दी है. आप भी ऐसे कोई स्पेलिंग ढूंढना जिसके अंदर कौन सा वॉवल हो? ए वॉवल हो. तो आज ए वॉवल साउंड किया अपन लोगों ने. आज का वर्क है आपका इंग्लिश में. आज की डेट डालनी है आपको. डे लिखना है और क्या लिखना है? ए वॉवल साउंड. ए वॉवल साउंड की 12 स्पेलिंग तो मैंने लिखवाई है. ये लिखनी है अपनी नोटबुक में. और क्या करना है? प्लस आपको भी कोई ऐसी स्पेलिंग ढूंढनी है जिसमें ओनली कौन सा वर्ड हो? ए वॉवल साउंड हो. तो ऐसी कोई स्पेलिंग ढूंढ के आपको भी लिखनी है. तो ये क्या है अपने वॉवल साउंड. वॉवल कौन कौन सा होते हैं? ए ई आई ओ यू. अपन ने आज क्या किया? ए वॉवल साउंड किया. सारी स्पेलिंग में क्या है? ए वॉवल साउंड है. तो आज का आपका वर्क है इंग्लिश में ए वॉवल साउंड. और बुक के अंदर पेज नंबर है 1 to 12. इंग्लिश की बुक में 12 पेज नंबर पे आपको ए वॉवल साउंड दे रखे हैं. बहुत सारे ए वॉवल साउंड दे रखे हैं. तो आपको इसको क्या करना है? अपने नोटबुक में वर्क भी करना है और ये सारे ए वॉवल साउंड आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं. सारी स्पेलिंग है बुक के अंदर. ये क्या करने हैं आपको? ए वॉवल साउंड लर्न करने हैं. तो आज का इंग्लिश में वर्क है ए वॉवल साउंड लर्न करने हैं और नोटबुक में वर्क भी करना है.